दिख रहा है आ गया लोगो सेकंड लोगो देख ले चल रहा है आ गया हां आ गया ना ओके ओके चल निकाल दो आप निकाल दो ठीक है निकाल दो चालू हो गया ओके चले बड़ा हाँ तो भाइयों आप देखो आज इस टाइम मैं फोन फिक्स हैदराबाद खड़ा हुआ हूँ और मैं सीधा दिल्ली से इधर आया हूँ और सीधा इंस्टीट्यूट में आ गया तो ये भैया हैं और इन्होंने डबल ट्रैकर जो फोन है फर्स्ट टाइम है सर आपका फर्स्ट टाइम चालू फोन दिया था आपको हाँ चालू फोन था और चालू फोन का डबल ट्रैकर रैम और सीपीयू निकाल के दोबारा से रिवॉल्व करके लगा दिया प्रॉपर तो आपको सर जो इतनी सारी मेहनत मिली वो किसने बताया ये बताओ पहले तो सर मैं तो पूरा जीरो था जब यहाँ पे आया मेरे ये मतलब ये लाइन में था ही नहीं मैं अच्छा मैंने कॉल करके सर से बात किया कि सर मैं ये लाइन का तो नहीं हूँ तो सर अच्छा। बोले कि नहीं आप आ जाओ फ्रेशर अच्छा। लोगों को भी 100% यहां से ट्रेनिंग मिल जाती है तो आया मैं तो चार बोर्ड पहले मुझे मिले प्रैक्टिस करने के लिए उसमें भी एक बोर्ड ऑन हो गया था अच्छा उसके बाद फिर आज तो डबल डेकर जो बोर्ड दिए मुझे तो अभी भी मतलब ऑन भी करना नहीं आता था मोबाइल खोलना भी नहीं आता अच्छा ये ड्राइविंग फील्ड से किसी और फील्ड से अच्छा तो ये भैया ना ड्राइविंग फील्ड से हैं तो इन्होंने अपनी लाइन चेंज कर दी तो इन्हें वो काम अच्छा नहीं लगा इन्हें लगा कि मेरे को मोबाइल लाइन में जाना है और ये फोन फिक्स हैदराबाद आए सीधे और इन्होंने आज 13वां दिन है 14वां दिन आज आपको बारहवा दिन है आज इन्हें और ये देख लो कि इनका रिजल्ट कैसा है जो यहाँ के जो टीचर है भाई बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये हैं सागर सर जो हैंड स्किल देखते हैं सबसे ज़्यादा जो मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छी मेहनत होती है इनकी तो सर जैसे आप अपने स्टूडेंटों पे इतना मेहनत करते तो वो कैसे ही करते हो मतलब क्या बात है मतलब जो आपके रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं ये बताओ इजी ट्रिक बता देते इजी ट्रिक होती है आपकी वर्क के अंदर जो है काम करने का एक इजी तरीका होता अच्छा वो तरीका कैसा है उसको पहले समझा देते हाँ हाँ और लाइव बना के बताते उनको अच्छा और स्टूडेंट से भी बना के बताते ओके और जो सबको बोर्ड दिए सभी को जो बोर्ड ऑन है या नहीं है उसका कोई देख के नहीं दिए अच्छा जिसको जो मिलना है उसको वो बोर्ड दिया ओके मगर ये जो प्रेशर है इसको कुछ नहीं आता आज से 12 दिन पहले ये फील्ड का कुछ नट बोल्ट भी नहीं खोलना ठीक है तो ऐसा बनता है मगर ये कर सकता तो यहाँ का कोई भी बंदा कर सकता बिल्कुल बिल्कुल सही है अगर ऐसा बंदा कर सकता तो 10-10 साल वाले 5 साल वाले 3 साल से काम करे सो वाले वो क्यों नहीं कर सकते वो क्यों नहीं कर सकते 100% बहुत सारे बंदे ऑन करे अभी बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है तो मैं अभी फिरोज सर को और बुलाना चाहूंगा तो ये है फिरोज सर कैसे हो सर ठीक है तो फिरोज सर आप क्या चीज देखते हो मतलब अपने उनमें अपने स्टूडेंटों का क्या देखते हो आप डायग्राम पढ़ाते हो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं डायग्राम अच्छा तो पूरा लेयर बाय लेयर आप सारा कुछ पढ़ाते हो जी बिल्कुल तो ये हैं फिरोज सर हैं ये सागर सर हैं और एक टीचर और हैं अभी हमारे जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं ये एक हमारी सीरीज है आने वाली है क्योंकि इस सीरीज में आपको बहुत कुछ मिलेगा आगे सीखने के लिए अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बार सर को जरूर कॉल करो क्योंकि आपको बहुत कुछ ऐसा कुछ मिलेगा और देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं वो उनका दिमाग खराब नहीं है जो इधर उधर सब जगह छोड़ के फोन फिक्स हैदराबाद आए कुछ खास बात है जब भी तो इधर आए सर एक दो लफ्ज में आपसे पूछना चाहूँगा तो आपको ऐसा क्या लगा फोन फिक्स हैदराबाद में आपने कहीं और भी ट्राई किया होगा नहीं किया सर आपने
नहीं सर, मैं कहीं ट्राई नहीं किया, मैं आने के लिए सोच ही रहा था। अच्छा, तो ऐसी वीडियो देखते रहता था मैंने, आपकी वीडियो देखा आपने। अच्छा। इसके पहले भी यहाँ पे एक बार आके गए थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। और सागर सर भी बोलते थे, फिरोज सर भी बोलते थे जी। तो एकदम मेरे दिमाग में आया कि अब ये लाइन छोड़ता हूँ मैं, पर एक बार ट्राई करता हूँ। अच्छा। ऐसा मुझे अंदर से मतलब लगा सर वीडियो देखने के बाद कि नहीं, यहाँ जाके मैं सीख सकता हूँ करके। अच्छा अच्छा। और भी बहुत वीडियो देखे थे मैंने, सिर्फ एक ही वीडियो नहीं देखा था, मगर यहीं पे आने की इच्छा हुई तो फिर यहाँ पे आया। ओके ओके ओके। तो अभी मैं सॉफ्टवेयर सर हैं हमारे, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। और सर कैसे हो सर? ठीक हो? ठीक। तो ये सर हैं हमारे जो सॉफ्टवेयर देखते हैं, ये पूरी टीम है। इधर आ जाओ सर। ये फाउंडफिक्स हैदराबाद की टीम है जो बहुत मेहनत करते हैं अपने स्टूडेंटों के साथ में। अभी जो टाइम हो रहा वो टाइम शायद कितना टाइम हो रहा सर? आप टाइम बताओ, हम नहीं बताएंगे आप। सर अभी तो 8 बज रहे, 10 भी बज जाते हैं। अच्छा, 10 भी बज जाते हैं। 10 भी बज जाते हैं। आज मेरी वजह से तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं नहीं, हमको परसों के दिन 10 बज गए यहाँ से जाने में, 10:15 बजे यहाँ से निकले हम लोग। अच्छा, तो मेहनत करा रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिकल कोई चालू है तो जब तक वो कम्प्लीट नहीं होगा तब तक क्लास हमारी खत्म नहीं होती। जी जी जी। देखो, आप सबको पता है कि एक फोन जो बन के तैयार होता वो दो चीजों से बना होता, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अगर आप सॉफ्टवेयर कर लोगे लेकिन हार्डवेयर में आप हिचकिचाते हो, जिसका हैंड स्किल अच्छा नहीं है सर वो काम नहीं कर पाएगा, या कोई आईसी नहीं लगा पाएगा, या कुछ वैसे नहीं कर पाएगा। तो आप जब भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो भाई उनसे पूछा करो कॉल करके कि क्या सिखाओगे, आप क्या सिखाओगे। एक बार यार फोन फिक्स हैदराबाद कॉल करो, फोन करो, आपकी जो समस्या वो समस्या को पूछो सर को और बताओ, वो समस्या आपकी क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो सर आपको बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा और क्या देना चाहते हो अपने मतलब जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उनको क्या देना चाहते हो, कुछ नया जो यहाँ आए और उनको अच्छा काम मिले, जो हमारे अभी मैं आपको देख रहा हूँ बहुत मेहनत करा रहे हो यहाँ पे, तो वो क्या? सर पहली बात तो बता दूँ मैं, फोन फिक्स में जितना कुछ मिलता है स्टूडेंट को अगर कंपेयर करें अदर स्टूडेंट से, सब कुछ यहाँ पे नया है। अच्छा। जैसा अगर आप देखें लैपटॉप की बात करें, हाँ। चाहे अगर आप बात करें उसमें डायग्राम डाल के दे रहे हैं। अच्छा। चाहे जितने भी टूल्स दे रहे पूरे ब्रांडेड टूल्स है। अच्छा। और सबसे बड़ा, स्टूडेंट सिर्फ टूल्स देखने इंस्टीट्यूट देखने नहीं आता है सर, सबसे पहले बच्चा जो अभी भी स्टूडेंट में इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है तो वो काम सीखने के लिए आता है और खुद अपने हाथ से करना चाहता है। तो दूसरे जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है उससे अगर आप देखेंगे नया, यहाँ पे हम यहाँ पे ऐसे फ्रेशर बच्चों से भी डबल डेकर बना देते हैं। ये तो डबल डेकर की बात नहीं, अभी आप इनका बुक लेके देखिए, लाइन ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, स्कीमेटिक डायग्राम में कैसा इन्होंने बनाया। क्योंकि अभी बोल रहे हैं सर ड्राइवर है, कुछ भी काम करते थे दूसरे फील्ड से, आईसी तो डाल दिया, ऐसा कोई अगर बोलने को बोलेंगे, लेकिन इनसे अगर आप पूछेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में तो एक एक लाइन ट्रेस करके आईसीओ की डाटा शीट बनाए, जितने बच्चे सबसे बनाने लगाते हैं हम लोग। आप बहुत जगह देखे होंगे सिर्फ टीचर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ यहाँ पे हम स्टूडेंट से काम सिखाते हैं, स्टूडेंट से काम करवाते हैं बिठा के। यहाँ पे आप देखते हैं ये काउंटर के वीडियो ज्यादातर आपको देखने मिलेंगे हमारे चैनल पे, जहाँ पे पिछले बार भी हमने भेजा था 18 साल का बच्चा, तो सबसे कम एज का था, उससे भी हमने लाइव बिठा के बनाए, 30 जने 20 जनों के सामने बनाना बहुत बड़ी बात रहती। तो यहाँ पे हर बच्चा यहाँ पे काम कर सकता सर। सर आप सॉफ्टवेयर टीचर हो तो थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में बताओ, जैसे मैं बता रहा था कि एक फोन दो चीज़ों से बन के तैयार हुआ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो हार्डवेयर कर लेते हैं फिर वो सॉफ्टवेयर में रुकते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए इस वीडियो को देख के? तो देखो सर यहाँ पे तो एक चीज़ तो नहीं होता, हार्डवेयर से भी होता है और सॉफ्टवेयर से होता है। हाँ, हाँ, अब पहले उसको हार्डवेयर में जानना है कि वो सॉफ्टवेयर में मतलब जैसे कि रीडिंग्स, पीसी का स्विचिंग क्या है, उसके बाद पोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा है, अगर ये जब बन रहा है तब जाके वो सॉफ्टवेयर एमएमसी में जाके काम कर सकता है। ठीक है, अगर वो हार्डवेयर से बंद है और आप उसको सॉफ्टवेयर में कितनी भी बार कोशिश करो तो वो फोन ऑन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो हम यहाँ पे हार्डवेयर अच्छे से समझाते हैं उसको, हर एक लाइन के वीसीसी के वीसीसी क्यू का वोल्टेज बनता है या नहीं बनता है, पावर से रिलेटेड है या सीपीयू से जो जाने वाली लाइंस होती है, ये सब पहले उसको ट्रेसिंग करके सिखाते हैं। बिल्कुल। अगर वो जब सही हो जाएगा तब जाके वो एमएमसी के अंदर सही काम कर पाएगा। बिल्कुल। डायरेक्टली एमएमसी के अंदर कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहले हाँ मेरा कहना ये है कि एक बच्चे को काम सीखना तो उसे तो अपग्रेड होना पड़ेगा। यस सर। तो अपग्रेड होने में और सॉफ्टवेयर भी चाहिए और हार्डवेयर भी चाहिए। yes, जिस जगह हैंड स्किल के बारे में बताया जा रहा है, जिस जगह आपको पूरा डायग्राम पूरा सर्किट के बारे में बताया जा रहा है, जिस जगह सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी नॉलेज दी जा रही है कि किसी कस्टमर का फोन आया अनलॉक कैसे करना, उसका डाटा कैसे बचाना या ईएमएमसी चेंज कैसे करनी है। yes, तो वो इंस्टीट्यूट अच्छा है या बस ऐसे ही
ये बताओ ना, थोड़ा सा बताओ। देखो सर, हाँ। सब चीजें नॉलेज होनी चाहिए, हाँ। कि अनलॉक कैसे करना चाहिए विदाउट डाटा लॉस। देखो कस्टमर आपके पास एक ही एक ही टाइप का नहीं आएगा, हाँ, बिल्कुल ठीक है, एक एमटी नहीं आएगा, कॉलकॉम नहीं आएगा, सिर्फ मेटाटेक ही लेके नहीं आएगा, या फिर खाली एमएमसी चेंज करने ही नहीं आएगा, मल्टीपल कस्टमर आपके पास आएंगे अलग अलग प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो वो चीजें अगर आपको रिपेयर करना नहीं आता है तो आपके पास वो कस्टमर रिटर्न जाएगा और बाजू वाले के पास जाके बना लेगा, तो इससे आपका इमेज खराब हो जाएगा और काम भी कम हो जाएगा, और एक सामने वाला बताता भी नहीं है, बताता भी नहीं। तो ये सारे चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और सारा चीज कुछ भी आपका फॉल्ट है आप साथ में वो सेट भी ला सकते हैं, अगर आप वो चीज नहीं बना सकते तो वो चीज यहाँ लाके भी बना सकते हैं, ठीक है। किसी का डाटा बचाना, किसी का अनलॉक करना, ठीक है, और डम फाइल कैसे रीड राइट करना, यूएफएस पे प्रोग्रामिंग कैसे होती है, तो सारा चीज यहाँ पे स्पेशली बता स्पेशल, हाँ, एमएमसी चेंज में भी हम पूरा एकदम स्पेशली बता देते। फोन फिक्स आने का फायदा क्या है? आप फोन फिक्स हैदराबाद आओ, अपने साथ अपने फोन लेके आओ, और आप यहाँ देखोगे ना भाई, हम कोई वीडियो फेक नहीं बनाते, और हमारे साथ में यार बच्चे लोग खड़े होते हैं, हमने आज तक किसी भी वीडियो में किसी से आज तक ये नहीं बोला कि भाई तू ये बोल दे, तू ये बोल दे, तू ये कह दे। अभी मैं आया, मैंने आपसे कोई बात कही कि भाई मैं ये कर दो वो कर दो, कुछ कहा था आपसे? कुछ भी नहीं, जो आपने अपने मन का ही बोला, हाँ, जो रियल था वही चीज तो हम दिखाते हैं, अभी ऐसा तो नहीं मैंने किसी को आके ऐसे पढ़ा दिया कि भाई तू ये बोल दे, ये नहीं, बोल दे। आप आके खड़े हुए, हाँ। और मुझसे डायरेक्ट पूछने लगे, मोबाइल ऑन, हाँ। करके दिखा दिया मैंने, और फिर तो भाई फोन फिक्स हैदराबाद में बहुत सारी चीज है ऐसी जो शायद आपको अदर किसी और जगह नहीं मिल सकती, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो तो भाई आना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, जहाँ जाओ तो बस इतना ध्यान रखना कि आपका पैसा वेस्ट ना हो जाए। क्यों सर, ऐसा ही है ना? पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, सामने वाले का पैसा वसूल होना चाहिए ना, हो गया। तो भाई आप जो भी हैं, जो भैया भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी कोई समस्या है, आप किसी चीज में फंस रहे हो और आपको उन चीजों को क्लियर कराना, तो एक बार प्रोफेसर सागर सर या सॉफ्टवेयर टीचर हमारे हैं, उनको कॉल कीजिए और अपनी समस्या बताइए कि मैं इन चीजों में फंसता हूँ, क्या मेरी ये चीज क्लियर हो जाएंगी नहीं होंगी। और आप आ रहे हो तो अपने साथ फोन लेके भी जरूर आने, क्योंकि जब भी तो आपको पता चलेगा कि फोन फिक्स ऐसा ही नाम है या कुछ बस ऐसे ही हम हवा में कह रहे हैं। और कुछ कहना चाहोगे भाई लोगों? अरे बताओ, कुछ तो बताओ, आ जाओ, देखिए पूरे रेडी है बात करने। कैसा लगा फोन फिक्स आके सर? सबसे बेस्ट। बेस्ट है? यस सर। कभी और किसी इंस्टीट्यूट गए थे? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो कोई ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ पे सर ऐसे ही बस ऐसे ही टल्ले मार रहे हो? मैं इतनी दूर से हूँ, 2000 किलोमीटर दूर से। कहाँ से आए हो आप सर? एमपी से। एमपी से आए हो? भाई एमपी के बहुत लोग हैं यहाँ पे, क्या चक्कर है? फॉलोअर्स ज्यादा। चलो ठीक है सर, आप करो अपना। और भी कोई कुछ भैया कहना चाहेगा? सर आप क्या कर रहे हो आप? डाउनलोड Y20 की। अभी मैं देख रहा हूँ ये सैमसंग का मदरबोर्ड रखा हुआ आपके यहाँ पे। अच्छा, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये ऑन नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इसे क्या सॉफ्टवेयर करोगे अभी आप? हाँ। अच्छा चलो, अच्छा लगा ना हाँ के? कोई ऐसा तो नहीं कि हम हवा में कुछ कह रहे हो आपसे? नहीं, नहीं, नहीं। ये एक मैसेज है जो सबको फीडबैक जाता है और इससे और भी बच्चे आते हैं, ठीक है सर? ठीक। ओके, और कोई कुछ कहना चाहे भी अपने मन पसंद से? हाँ जी, अरे बोल दो यार, पैसे थोड़ी लग रहे हैं। रियलमी का, और आज जो हमने जो किए थे क्लास में, मतलब जेटैक से और यूपी से नहीं किए थे, डायरेक्ट कौन से वर्क से किए थे जरा बताइए? एमआईपी टेस्ट। पूरा प्रेशर है, सुबह इनसे प्रोग्रामिंग किए और एक हेल्थ रिपेयर करके चालू किए, कैसे लगा था? तो जैसे फोन लेके आए आप, सर ने बताया आपको, तो आपने किया ना? मैंने ही किया। अच्छा, तो हो गया? हो गया, ऑन भी हो गया। ऑन भी हो गया, कैसा लगा आपको यहाँ आके? मुझे तो फोन पे हैदराबाद का पता ही नहीं चला, आप ही इसका नंबर भेजे मुझे व्हाट्सएप पे बात किया था। तो अच्छा, मतलब आप आज 12-13 दिन हो गया आपको यहाँ पे, तो अब जैसे नेक्स्ट टाइम कभी आपके काउंटर पे कोई फॉर्म भरने के लिए आएगा तो काम कर लोगे अच्छे से? कर लूँगा पूरा प्रॉपर, जैसे बोर्ड न्यू क्या होता, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, फोन शॉर्ट क्या होता, ये सब चीज़ आपको पता चल रहा है ना? पता चल रहा है। जी जी जी, पहले से तो पता नहीं था कुछ। अच्छा चलो ठीक है सर, मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे। और हमारे जो टीचर, हमारे टीचर नहीं, एक भैया जी हैं हमारे, इधर आप इधर हो जाओ, ऐसे कर लो,
तो कैसे हो आप पहले तो ये बताओ, ठीक हो? जी सर। कहाँ से हो आप पहले? कर्नाटक से। कर्नाटक से, तो काम कर रहे थे कुछ टाइम से या कैसे? हाँ सर, काम कर रहे थे 10 साल से। काम कहाँ दिक्कत हो रही थी आपको, कहाँ फंस रहे थे आप? सर आईसी वर्क तो कौन सा भी नहीं करते थे पहले से। अच्छा, बाहर दूसरी जगह से करवा के लेके आते थे। अच्छा, दूसरों के पास जाके काम करवा रहे थे। अच्छा, तो अब यहाँ पे आए, कुछ फॉर्म लेके आए आप? हाँ सर लेके आए। तो लेके आए कुछ फॉर्म ऑन हुए आपके? हाँ सर हो गए, 2 मोबाइल बने हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो अच्छा लग रहा है। हाँ, फीडबैक अच्छा है कुछ ऐसे? बहुत बढ़िया है सर, आज डबल ट्रैकर भी ऑन किया तो बहुत बढ़िया। अच्छा, डबल ट्रैकर ऑन कर दिया? फर्स्ट टाइम किया था? फर्स्ट टाइम किया था सर। चलो फिर तो ठीक है। ओके, ये भैया। हाँ सर जी। साजद। साजद कैसे हो सर? ठीक हो सर। कहाँ से हो आप? हम नेपाल से सर। अच्छा नेपाल से हो, तो इतनी दूर कैसे? ये सीखने के लिए साथी से बोला। अच्छा, दोस्त ने बोला था। अच्छा, दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों नेपाल से। आप भी, आप इधर हो जाओ, कैमरा का थोड़ा सा ऐसे कर दो आप।